तमने रेडर कंप्लीट कर ले। हाँ तो कर ले रेडर कंप्लीट। पहले कंप्लीट। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप साहब। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजू कुशवाहा। फ्रेंड, ये गाड़ी है बड़ा वाला ट्रेलर, इसका है कंप्रेसर की आयल की रिंगे उठा रही हैं, तो इसलिए आज अपन इसको खोलते हैं और फुल काम करके बताएंगे आपको कैसे क्या होता है, कैसे खुलता है ये, उस किस कारण से क्या हुआ था इसमें। तो ये देखिएगा फ्रेंड, हमने प्रेशर हेड निकाल दिया है इसका, तो अब इसका कंप्रेसर को खोलेंगे। ये क्या है फ्रेंड, प्रेशर भी नहीं बना रहा था और इसके बाद में इसकी पूरी छीक मशीन में पूरा आयल ही आयल हो गया था, तो इस कारण से हुआ था। ये तो आप समझ ही जाओगे कि इसकी पिस्टन की रिंगें गई हैं। तो पूरा वीडियो को देखना कंप्लीट, कैसे किस तरीके से निकालते हैं इसके, कैसे क्रेन को निकालते हैं, किस तरीके से इसको पूरा खोलते हैं और कैसे फिट करते हैं, कैसे साफ़ सफाई करते हैं इसकी। तो ये देखिएगा फ्रेंड, किस तरीके से इसमें से आयल जम रहा है। तो इस तरीके का मतलब आप भी कुछ देख लेना कि कैसे खुलता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि कैसे खुलता है ये, किस कितने पार्ट में खुलता है और कैसे खुलता है। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ये देखिएगा फ्रेंड, ये पीटीओ पंप है, ये स्टीयरिंग का काम करता है, ये स्टीयरिंग को काटता है, ये घूमता है तभी ये जाके कंट्रोल करता है इसको। तो ये क्या पावर पीटीओ पंप है, तो इसको अपन आप खोल रहे हैं फ्रेंड। इस तरीके से खोल दिए 10 नंबर के बोल्ट इसके अपन ने पीछे वाले दो, फिर इसको निकाल के अलग कर देंगे अपन आप। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको मैकेनिक लाइफ स्टाइल से संबंधित, तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ये देखिएगा फ्रेंड, हमने इसका पीटीओ पंप निकाल रहे हैं इसका, तो इस तरीके से हमने इसका पीटीओ पंप को निकाल दिया है। इसमें एक वाइसर भी लगा रहता है फ्रेंड, उस वाइसर को भी निकाल देंगे। ये देखिएगा, ये दोनों को चौकड़ी घुमाने का काम करता है। तो किस तरीके से, तो आप भी कभी भी नए हो तो आप भी कभी, ये फ्रेंड वो वाला नहीं है, नीचे 2-8 नंबर के बोल्ट दे देते हैं, पिस्टन नीचे से खोल के पिस्टन और कैम और राकर निकाल के अपन नीचे के नीचे डाल दें। इसमें फ्रेंड वेपको वालों ने बहुत वो करा है, ताकि के ये इस तरीके से कि आपको पहले वाला अच्छा था, इसमें 2 बोल्ट खोले नीचे के और नीचे के नीचे रिंग डल जाती थी। इस वाले में साले ने बहुत ज़्यादा मगजमारी कर दी, इसमें क्या पूरा इसको पूरा खोलना पड़ता है, दोनों तरफ की प्लेट मलेट इधर उधर से चारों तरफ से खोलना पड़ता है इसको। तो फ्रेंड ये देखिए, गिरारी निकाल रहा हम इसकी, गिरारी भी साला बहुत टाइट है इसका, क्या करें अब फ्रेंड, खोलना तो पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी नहीं। ये देखिएगा इस तरीके से निकाल दिया। अब ये लंकी बोल्ट से हम सामने वाली प्लेट खोल रहे हैं इसकी अपन, अब खोलने के बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खोल रहा है फ्रेंड। मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया। और आपको प्यार से देखता है तो यूट्यूब में एक फंक्शन आता है वीडियो लो स्पीड का, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, पर वैसे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन काम है अपन ने वो वाला तो आपको स्लो ही बताएंगे हम। ये देखिएगा फ्रेंड, इसकी क्रेन निकाल रहे हैं अपन अभी, तो क्रेन के साथ में ही निकालने के बाद में पीछे की प्लेट भी खोलना पड़ेगी फ्रेंड इसकी, तब जाके क्रेन निकलेगी, ताकि thank you.
ये देखिएगा फ्रेंड, ये रिंगे बिठा रहे हैं अपन। ये पहले तार वाली रिंग बिठा देते हैं, आइल वाली, फिर इसके बाद में दूसरी बिठाएंगे कंप्रेसर वाली, फिर इसके बाद में तीसरी बिठाएंगे। किस तरीके से बिठाते हैं आप भी देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है। इस तरीके से बैठा दी एक रिंग को अपन ने। और फ्रेंड आपको तो पता ही होगा कि रिंगों का मुंह अपोजिट रखना पड़ता है एक दूसरे के सामने, एक मतलब सीधे सीधे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हवा और आयल एक ही तरफ हो जाएगा तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी, गाड़ी वाले को भी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से क्या आयल माइल डाल डोल के कंप्लीट करके बढ़िया बिठाते हैं। और ये तो आपको क्या जानकारी, यही सही अपोजिट कर लिया हमने एक दूसरे को, तीसरे को इस तरीके से, मतलब सेम मोहन नहीं होना चाहिए, भले किधर का किधर भी बिठा दो और किससे भी किधर भी कुछ भी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसा है वैसे रहता है। ये देखिएगा फ्रेंड, पिस्टन बिठाने का स्टाइल, मैकेनिक लाइफ स्टाइल, मैकेनिक इस हार्ड वर्क, पूरा जान हथेली पे लेके घूमो और शाम को नतीजे में जीरो मिलता है। तो इस तरीके से ये देखिएगा अपन ने अभी कूलर पाने की मदद से अब रिंग पिस्टन को बिठा देते हैं। तो इससे क्या रिंगें चिपक जाएंगी और उसमें कंप्रेसर में आसानी से घुस जाएगा। ये देखिएगा ये फिट हो गया एकदम से बिल्कुल। अब क्रैंक बताने का और बिठाने का आसान तरीका भी दिखा देते हैं हम आपको। साला पहले वाला कंप्रेसर अच्छा था, जो नीचे के दो बोल्ट खुल जाते थे 8 नंबर के, उसमें से खोल के उसमें से डाल देते थे, बढ़िया नीचे के नीचे ही मेन बिकिन निकाल के डाल देते थे, उसमें ही अच्छा रहता था। अब कंपनी ने क्या नीचे वाला होल बंद करके पूरा फिक्स कर दिया उसको, क्या मालूम क्या सोच रहा है बेपको कंपनी वाले को, साला मिस्त्री और कोई परेशान करने के लिए ही कर रहा वो बेपको कंपनी वाला। पहले वाला अच्छा काम था, अब दूसरा काम कर दिया उसने नए मॉडल में, इतना ताम झाम खोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता फ्रेंड इसमें तो। पर उस वाले में, पुराने वाले में दो बोल्ट 8 नंबर के नीचे से खोले और नीचे के नीचे डल जाता और बढ़िया जल्दी काम हो जाता गाड़ी वाले का भी। अगर ऐसा कच्चे माल की गाड़ी आ जाए तो उसमें 2 घंटे ख़राब करो, इसमें भी 2 घंटे ख़राब करो, उसमें आधे घंटे में पिस्टन बाहर निकाल के रिंग फंसा के आधे घंटे में फ्री कर दो उसको, इतनी मगजमारी करना ही नहीं पड़ती है। ये देखिएगा फ्रेंड, जब एना मोन्टू लगा दिया इसमें अपन ने इस तरीके से, ये क्या है कि आयल माइल लीक नहीं करे और आयल भी मिलता रहे और क्रेंक भी बाहर नहीं हटे, अपनी सपोर्ट बना रहे। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, लगा सकते हो। और खैर कई भाइयों ने तो डाल भी दिया फ्रेंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में घंटे को भी दबा दें, ताकि हम जब भी आपकी वीडियो डालें हम तो आपको सूचना मिल जाए कि हाँ भैया राजू कुशवाहा मैकेनिक की वीडियो आ गई है, कृपया जाके देखें मैकेनिक लाइफ स्टाइल को कि किस तरीके से जी जाती है, कितना हार्ड वर्क काम है।
ये देखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये, बिल्कुल नया जैसा कर दिया उस्ताद ने इसको। जो कंप्रेसर का काम करते हैं हम तो उनसे करवाते हैं फ्रेंड इसका काम, जो प्रेशर का काम हुआ, एयर ब्रेक का कोई सा भी काम हुआ, कुप्पे का, हैंड ब्रेक का या किसी का भी काम हुआ, तो अपन तो भैया अपने उस्ताद रफीक भाई उनसे करवाते हैं। ये देखिएगा अब हम इसको अब लिया है गाड़ी पर, ये गाड़ी रास्ते में खड़ा था तो अब जंगल में से फ्री करके इसको कसेंगे। ये फ्रेंड BS4 गाड़ी है, तो आपने तो गियर खोलते टाइम देख ही लिया होगा कि कैसा है। ये रिंग को बिठा दिया अपन ने, अब इसको कसते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में घंटे को भी दबा दें, और ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए, तब भी हम नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड एक लाइक भी कर दें पास में।